सो टेंस के इस पूरे जो चल रहा है आप सभी का पूरा एक तरह से शुरू से लेके एंड तक, उसमें आप सभी का जो पैराग्राफ चल रहा है, उसमें आप सभी का जो ट्यूटोरियल चल रहा है एक तरह से, उसमें आप सभी का वेलकम है। क्लास जो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का क्लास में आप सभी का टेंस चल रहा है। ये आप सभी का पार्ट नंबर 4, टेंस का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही अपलोडेड किए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इसमें हम सभी जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, इसके क्या क्या रूल हैं और क्या इसके पूरा डिटेल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और नहीं देखा है आपने प्रीवियस वीडियो को तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होता क्या है? तो पहचान क्या होता है, मीन कैसे हम सभी पहचानेंगे कि ये जो टेंस है, ये जो वर्ड है या फिर ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो क्या होता है इसका पहचान? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रही हैं, रहा है, रहे हैं तथा समय भी दिया होता है। तो इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट है पहचान, वो है कि इसमें आप सभी को टाइम दिया रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में आपको टाइम दिया गया रहेगा, टाइम में समय दिया गया रहेगा। वो 4 घंटे से ये कर रही है, 5 घंटे से वो खा रहा है, कुछ ऐसा आप सभी को दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा। अब इसके बाद आती है कि इसमें आपको सिंगुलर नंबर मीन एकवचनकर्ता के साथ हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करना होगा। हैज़ बीन अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करना है, नहीं तो नहीं, केवल हैज़ बीन। अगर निगेटिव नहीं है तो हैज़ बीन का, अगर निगेटिव तो हैज़ नॉट बीन का, और अगर कर्ता जो हमारा बहुवचन है तो क्या होगा, हैव नॉट बीन का। और उसके साथ साथ ये इसका एक और यहाँ पे वो है सिंस और फार। सिंस फार मीन अगर सेंटेंस में निश्चित समय दिया गया है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, नहीं तो फार का। जैसे हमारा हो गया कि संडे, मंडे, ये सब जो भी डे के नाम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उनका एक फिक्स है। तो जो हमारा फिक्स होता है उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, जो हमारा फिक्स नहीं है वो उसके लिए हम सभी फार का। जैसे 2 घंटे, अब 2 घंटे का कुछ फिक्स नहीं है कि ये 2 घंटे कब से कब तक का है, तो इसके लिए हम सभी फार का यूज़ करेंगे। तो सिंस का यूज़ कब करेंगे, जब सेंटेंस में जो सेंटेंस है उसमें हम सभी को निश्चित समय दिया रहेगा तो सिंस का यूज़ करेंगे, नहीं तो हम सभी फार का यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सभी चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को, इसमें जो अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस है उसको हम सभी कैसे बनाएंगे। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आपको क्या रहेगा, हैज़ या फिर हैव। हैज़ हैव मीन कर्ता के हिसाब से, कर्ता एक वचन है तो हैज़, नहीं तो हैव। अगर निगेटिव मीन निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव साथ में बता रहा हूँ इसलिए स्ट्रक्चर भी आपको साथ में ही बता दे रहा हूँ। निगेटिव मीन्स केवल निगेटिव रहेगा, उसमें नॉट जुड़ जाएगा, बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी। अगर अफर्मेटिव रहेगा तो बस इसमें ये नॉट नहीं लगेगा, हैज़ या फिर हैव बीन हो जाएगा, नहीं तो ऐसे हैज़ हैव नॉट बीन ऐसे लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या रहेगा, मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब में ING और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट मीन आपको ऑब्जेक्ट के बाद जो आप सभी का ऑब्जेक्ट है उसके बाद आप सभी को सिंस या फिर फॉर लगाना है। सिंस या फिर फॉर कैसे लगाना है, अगर वो जो सेंटेंस दिया है उसमें जो आप सभी को टाइम दिया है वो निश्चित है तो सिंस, नहीं तो फॉर। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, समझिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप सभी को अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। सोमवार से वर्षा हो रही है। अब इसको हम सभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, सोमवार से वर्षा जो है होती रही है, ये है आप सभी का जो है एग्जाम्पल। तो कैसे, सबसे पहले हम सभी वर्षा के लिए सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इट। अब उसके बाद ये क्या है, एक वचन है, इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन। अब उसके बाद वर्षा होने का क्या होगा, वर्षा मीन रैन। अब रैन का जो होगा उसमें हम सभी को रैन वर्ब है मीन क्रिया है, तो रैन में हम सभी को क्या करना है, ING ऐड कर देना है, इट हैज़ बीन रैनिंग, रैनिंग। अब उसके बाद आपको क्या करना है, रैनिंग के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आप देखिए सिंस या फॉर आपको लगाना है। तो सिंस या फॉर कैसे, मंडे, मंडे से हो रही है मीन सोमवार से हो रही है, तो सोमवार तो फिक्स है, तो यहाँ पे आप सभी को क्या हो जाएगा, सिंस या आपको यहाँ पे सिंस लिखना है। अब उसके बाद बात की जाए तो कब से हो रही है, तो कब से हो रही है, मंडे, सिंस मंडे, अदर वर्ड जो बचा है उसको हम सभी लिख देंगे। तो ऐसे आप बना लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से।
अब मैंने आपको एक अफर्मेटिव बता दिया, अब मैं आप सभी को एक निगेटिव में बता दे रहा हूँ कि जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसको हम सभी कैसे बनाएंगे। तो ये अफर्मेटिव का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है और स्ट्रक्चर तो सेम है, बस नॉट जुड़ जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसको हम सभी कैसे बदलेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, वह 4 दिन से स्कूल नहीं जाता रहा है, वह 4 दिन से स्कूल नहीं जाता रहा है, ठीक है। तो ये है आप सभी के लिए एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम सभी क्या करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही। अब क्या है कि सब्जेक्ट के बाद हैज़ या फिर हैव और नॉट। तो यहाँ पे देखिए हुआ है, तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो हम सभी क्या करेंगे, ही के बाद क्या लगाएंगे, हैज़। एक वचन के साथ हैज़ लगाते हैं और नहीं तो हैव। तो ही हैज़, उसके बाद नॉट, नॉट लगा दिए, उसके बाद बीन लगा दिया, ही हैज़ नॉट बीन। अब वो क्या हो गया, वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, जाना, स्कूल नहीं जाता है तो गोइंग। गो था वर्ब और आईएनजी हमने उसमें ऐड कर दिया था, ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग। अब कहाँ नहीं जा रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब उसका हो गया कितने दिन से, 4 दिन से। अब ये जो 4 दिन है वो क्या है, फिक्स नहीं है। तो इसके लिए हम सभी इसका किस लिए, किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ किए करेंगे, फ्रॉम, फॉर, 4 डेज। अब जो होता है आप सभी का सिंस कब लगता है, जब निश्चित होता है टाइम, अनिश्चित के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। तो फॉर 4 डेज, इसको आप सभी ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर 4 डेज। तो ये हो गया, आप सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं आपको इंट्रोगेटिव इसमें जो होता है सेंटेंस उसको समझा देता हूँ। ये था अफर्मेटिव और निगेटिव कैसे बनाते हैं, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले ये था रूल, पहले रूल इसका समझ लेते हैं। प्रश्नवाचक शब्द पहले आने पर, मतलब अगर कोई भी सेंटेंस दिया, यही सेंटेंस दिया है, वह क्या हुआ, बाजार 2 घंटे से जा रहा है, तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें पहले आया है क्या, तो इसके लिए क्या इसका स्ट्रक्चर बनेगा। सबसे पहले हम सभी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मीन सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फिर फॉर लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आप सभी को जो रहेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करने का। तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। क्या वह बाजार 2 घंटे से जा रहा है, तो इसमें हम सभी को सबसे पहले क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हम सभी क्या लिखेंगे, क्या वह बाजार 2 घंटे से जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, हैज़। हैज़ किस लिए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वह है, तो हैज़ ही। अब उसके बाद हम सभी को क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद हम सभी को बीन लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लिख दिया, अब उसी को वर्ब, वर्ब का जो है वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब है हमारा गो और आईएनजी हो गया गोइंग। उसके बाद कहाँ नहीं जा, कहाँ जा रहा है 2 घंटे से, टू द मार्केट, मार्केट हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हम सभी को क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, तो हमारा 2 घंटे से, 2 घंटा जो टाइम है वो कोई अनिश्चित, मीन निश्चित नहीं है कि कब से कब तक 2 घंटा, ये निश्चित नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर्स, तो हमने यहाँ पे 2 आवर्स हो गया, 2 आवर्स। तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी रूल नंबर सेकंड है कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है, मीन जब क्वेश्चन वर्ड रहेगा वो बीच में आएगा, जैसे शुभम बगीचे में 2 घंटे से क्या कर रहा है, या फिर वह वहाँ 2 घंटे से क्या कर रहा है, तो ऐसे जब शब्द रहेंगे जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले हम सभी इस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर या फिर अदर। अब जो आ गया और नॉट आ गया, तो निगेटिव रहेगा तो नॉट जुड़ जाएगा, स्ट्रक्चर सेम रहता है, केवल नॉट जुड़ जाता है सब्जेक्ट के बाद, नॉट जुड़ जाएगा। तो चलिए अभी इसको हम सभी बताते हैं, शुभम बगीचे में 2 घंटे से क्या कर रहा है, तो इसको हम सभी क्या करेंगे, जो है सबसे पहले यहाँ पे वाट लिखेंगे, वाट मीन्स किस लिए, इसमें है क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा वाट, तो हो गया वाट हैज़। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम सभी, वाट लिख दिया, हैज़ लिख दिया, उसके बाद हम सभी को क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे SHUBHAM, शुभम, वाट हैज़ शुभम। उसके बाद हम सभी को क्या लिखना है, बीन लिखना है,
नॉट तो है नहीं, निगेटिव नहीं है, तो नॉट को छोड़ देंगे, बीन लिखेंगे। बीन लिख दिया, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का वर्ब लिखना है, उसमें आईएनजी को ऐड कर रहा है। तो क्या कर रहा है, तो व्हाट हैज़ शुभम बीन वर्क, क्या कर रहा है, करना का हो जाएगा डू, तो डू हो गया और आईएनजी, डूइंग हो गया। अब उसके बाद हमसे को क्या लिखना है, डूइंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इन द गार्डन, गार्डन हमसे को क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद हमसे को क्या लिखना है, सिंस या फॉर, तो 2 घंटा कोई निश्चित नहीं है, तो हम सभी फॉर लिख देंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे, 2 आवर्स, ठीक है, ये हमारा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। तो ये पूरा था आप सभी को प्रेजेंट का पूरा टेंस, प्रेजेंट टेंस का पूरा कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पूरा कंप्लीट हो गया। जो अब चलेगा आप सभी का वो पास्ट से चलेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।